चिकित्सालय का सर कहाँ पे आए हुए हैं इस वक्त? ये प्रिंस हॉस्पिटल है लिखा हुआ वहाँ। तो सर कैसे जानकारी मिली सर यहाँ इसके बारे में अवैध चल रहा है ये? सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बताया। तो मौके पर सर आप पहुँचे हैं, क्या देखा सर आपने? मौके पर तो दिखिए अवैध रूप से संचालित हो रहा है सर। बेसमेंट में लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर भी बेसमेंट में हॉस्पिटल चल रहे हैं, इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही। हेलो, इनके संज्ञान में आ रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो कार्रवाई हो रही है। ये सर पूरी तरीके से अवैध है, दो कमरों का अस्पताल सर ये। आप क्या अवैध है, इसको सब इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। बस वहाँ डॉक्टर देख लेंगे सर, ठीक है ठीक है एम्बुलेंस अवेलेबल। मामला ऐसा है कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा बताया गया कि चिकित्सालय है, तो हम लोग चेक करने आए तो यहाँ पे प्रसव का कार्य हो रहा था और देखा गया तो आयुर्वेदिक यूनानी पद्धति में जो है ये चिकित्सालय पंजीकृत था और इसके बारे में DO साहब को सूचना दी गई, उन्होंने अपना भेजा तो चिकित्सालय मार्च 24 तक पंजीकृत था और बाकी अभी अभिलेख देखेंगे तो देख के फिर सर। एक महिला की डिलीवरी भी कराई गई तो क्या आयुर्वेद में सर्जरी करने का प्रकरण है क्या? हाँ, तो उसी लिए वो जांच करके चिकित्सालय का संचालन जो है बंद करा दिया गया है, सील हो गया है जी। कौन संचालक था सर इसका? संचालक का मौके पर नहीं उपलब्ध मिले, उमेश कुमार, डॉक्टर उमेश कुमार का नाम बताया जा रहा है जो नहीं है, तो अभी बाकी उनको कहाँ पर है हॉस्पिटल? ये चिकित्सालय भीटी में तमसा नदी के पुल के नीचे से जाके बना हुआ है। कितने मुकदमा इस समय यहाँ पे? एक स्टाफ नर्स मिली हैं और दो और स्टाफ मिले हैं यहाँ पे। मुकदमा मिल पाएगा अब आगे जो भी होगा उसको पंजीकृत किया जाएगा इस अस्पताल अस्पताल का जो भी OT है और ये सब सारा सील कर दिया गया है। सर जब भी कार्रवाई होती है संचालक गायब हो जाते हैं लोग, अब ये क्या बताया जाए, नहीं मिले। बेसमेंट में अभी हॉस्पिटल चल रहा है जी, अब जो भी बेसमेंट में हैं बाकी उनको नोटिस सब कुछ गई हुई है, सबको टाइम दिया गया। आने के बाद भी कई जगह चल रहा है सर, बीते दिनों अपेक्स हॉस्पिटल में आप लोग कार्रवाई हुई थी लेकिन अभी तक वो बंद नहीं हुआ। चिकित्सालय का संचालन बंद कर दिया गया है, ठीक है, बाकी उसमें कार्रवाई जिनकी सूचना मिलती है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सर भर्ती महिला को और क्या कार्रवाई हो सकती है? एपेक हॉस्पिटल की कार्रवाई कल जो है जो भी है वो कल हो जाएगी। सर भर्ती महिला को जिला अस्पताल भेजा गया है? अब ये जैसे चिकित्सालय है आयुर्वेदिक यूनानी में रजिस्टर्ड है, हमें इससे क्या महिला चिकित्सालय में भेज दिया गया। जिनकी सूचना मिलती है उनकी कार्रवाई होती है, बता रहे हैं जो भी सूचना से मिली इनकी सूचना यहाँ आया देखा गया तो कार्रवाई। ठीक है।